स्वागत तो करो हमारा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है और न्यू सॉन्ग के साथ में वीडियो एडिटिंग लेके आया हुआ। तो गाइस प्लीज वीडियो को पूरा देखना, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे और समझ पाओगे। ओके, तो गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होगा सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप उसी मटेरियल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और गाइस वीडियो बनाने में या फिर मटेरियल डाउनलोड करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, वहाँ से मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो गाइस वीडियो बनाने के लिए अपने को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, उस ऐप का नाम है अलाइट मोशन, तो उसे ओपन कर लीजिएगा। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद नीचे प्लस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना। ओके, तो गाइस प्लस पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद बीट मार्क और शेक इफेक्ट की दो प्रीसेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो उन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस ऐड करने के बाद बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर देना। ओके, तो बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करते ही कुछ इस तरह से दो ग्रुप और सॉन्ग बीट मार्क मिल जाएगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, गाइस यहाँ पे सबसे पहले अपने को जो नीचे वाला ग्रुप होता है ना उस पर क्लिक कर देना। ओके, सो ग्रुप पे क्लिक करने के बाद एडिट ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक शेप बैकग्राउंड मिल जाएगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे फोटो एड करना। ओके, तो प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मीडिया में जाना है, और गाइस जिस फोटो का अपने को वीडियो बनाना है ना उस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे सिंपल से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो गाइस अब अपने को यहाँ पे इस तरह से क्लिक करना है खाली जगह पे, और फोटो को क्लिक करके नीचे ले आना ग्रुप के, तो जो रेक्टेंगल है ना वो साइज में आ जाएगा। अब फोटो पे क्लिक करना है और मूवमेंट ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाना, और इस तीसरे नंबर के ऑप्शन पर जाना, फोटो की साइज़ को अपने को कुछ इस तरह से छोटी कर लेना। ओके, जितना अपना रेक्टेंगल उस तरह से, और यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अपने को यहाँ पे फोटो की लेंथ को बैकग्राउंड की लेंथ तक बढ़ा लेना है। तो फोटो पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, सो गाइस इतना करने के बाद अपने को बैग आ जाना है, और अब जो सेकेंड नंबर का ग्रुप होता है ना गाइस उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सामने कुछ चार ग्रुप मिल जाएंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे इन पाँचों ग्रुप में अपने को फोटोज को ऐड करना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाले ग्रुप पे क्लिक कर देना, एडिट ग्रुप में जाना, फिर से एक शेप बैकग्राउंड आएगा, अपने को फिर से फोटो सेलेक्ट करना। ओके, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया में जाना और फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैंने आप इस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ, अब से फिर से यहाँ पे क्लिक करना और इस वाली फोटो को शेप के नीचे ले आना है। इतना करने के बाद फोटो पे क्लिक करना, मूवमेंट ट्रांसफर में जाना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने का फोटो की साइज को अपने को इस तरह से छोटी कर लेना है। ओके, यहाँ पे अपना जितना शेप है ना इस तरह से करने के बाद फोटो को अच्छे से एडजस्ट भी कर लेना। सो इतना करने के बाद अब अपने को इस वाली फोटो को भी अपने को यहाँ पे बैकग्राउंड तक ले आना, तो फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो इस वाली फोटो को भी यहाँ तक आ जाएगी। फिर से बैग आ जाना है और फिर से अपने को नेक्स्ट ग्रुप पे क्लिक कर देना है, मतलब सेकेंड नंबर वाले ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना, फिर से यहाँ पे अपने को नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। तो गाइस आपको ना इसी तरह से इन पाँचों ग्रुप में फोटोज़ को ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिएगा। तो मैं आपको सभी पांचों ग्रुप में एक साथ फोटो को ऐड करके दिखाता हूँ थोड़ा जल्दी से। ओके, तो गाइस देख सकते हो मैंने आप इस तरह से सभी ग्रुप में फोटोज़ को ऐड कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आपको इन चारों
मतलब कि इस वाले ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पांचों जो ग्रुप बने उनमें सभी में फोटो ऐड करना। ओके, इस तरह से फोटो को ऐड कर लेना। फोटो को ऐड करने के बाद अब यहाँ पे अपने को फिर से प्लस पे क्लिक करना, फिर से मीडिया में जाना गाइस, और यहाँ पे फिर से अपने को सेम फोटो को स्टार्ट मतलब लेना है जो ग्रुप में बनी है। तो ये वाली फोटो तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से डॉट पे क्लिक करना, फिर कंपैरिजन एरिया कर देना। ओके, इस तरह से करने के बाद अब इसको यहाँ पे सबसे नीचे ले आना ग्रुप के। ग्रुप के नीचे लाने के बाद अपने को एंड में स्क्रॉल करना और यहाँ फोटो पे क्लिक करना और जहाँ तक अपना सॉन्ग बीट मार और ग्रुप बने वहाँ तक कर लेना फोटो को। ओके, तो इस तरह से कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अब अपने को यहाँ पे जो टेक्स्ट इफेक्ट प्रीसेट है ना उसे ओपन कर लेना गाइस। ओके, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लिया हूँ। तो इतना करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे फोटो पे क्लिक कर देना। फोटो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। सो गाइस, इफेक्ट को कॉपी करने के बाद अब अपने को यहाँ पे सबसे पहले तो इन सभी लेयर को सिलेक्ट करना है। इस तरह से यहाँ के देख सकते हो, इस तरह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और पांच कॉपीड फाइव लेयर कर लेना है। इतना करने के बाद फिर से अपने को बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे वाली फोटो पे क्लिक कर दीजिएगा, इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना, थ्री डॉट में जाना और पेस्ट कर लेना है। तो जो इफेक्ट होता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इतना करने के बाद अब अपने को आप स्टार्ट पोजीशन में आना और यहाँ पे क्लिक करना और पेस्ट टू फाइव लेयर कर लेना है। तो जो अपना लेयर होता है वो आ जाएगा और सबसे पहले अपने को एंड तक आ जाना। ओके, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करना और इन चारों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो ये यहाँ तक एंड तक आ जाएंगे, देख सकते हो गाइस, ये यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ तक आने के बाद अब अपने को यहाँ पे आगे सॉन्ग को लिखना है। ओके, तो सॉन्ग को लिखने लगा गाइस, यहाँ से सॉन्ग को लिखना है। तो यहाँ से अपना लेयर स्टार्ट होता है फर्स्ट लेटर, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस यहाँ पे क्लिक करना है, इधर का पार्ट रिमूव करने के लिए इस साइड क्लिक कर देना और इधर का पार्ट रिमूव करने के लिए इस साइड क्लिक करना। ओके, इतना करने के बाद अब अपने को यहाँ पे सॉन्ग को लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना, एडिट ग्रुप में जाना और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसे डिलीट कर दीजिएगा। ओके, तो गाइस इसे लिखने के बाद यहाँ पे मैं सॉन्ग को पहले से सुन के रखा था तो मैं लिख लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे लैला बोल्ट फॉन्ट का नेम है उसको सिलेक्ट कर लेना और राइट पे टिक कर देना। ओके, अब नेक्स्ट लेयर लिखने के बाद अब लिखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना यहाँ पे और लेयर को कॉपी लेयर करने के बाद यहाँ पे इस तरह से पेस्ट लेयर कर लेना है। जो नेक्स्ट लेयर यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद आगे का पार्ट लिखना मतलब आगे का जो सॉन्ग है वो लिखना है। तो फिर से लेयर पे क्लिक करना, एडिट टेक्स्ट में जाना, इसको डिलीट करने के बाद नेक्स्ट लेयर लिखना है। तो गाइस इस तरह से लिखने के बाद फिर से राइट पे टिक कर देना है और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट लेयर लिखना है। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह सभी लेयर्स को लिख लेना, मैं आपको सभी लेयर्स एक साथ लिख के दिखाता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी लेयर्स को इस तरह से लिख लिया हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो सके, इसलिए मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था। इस तरह से आपको सभी लेयर्स लिख लेना। ओके, और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।